हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है, आप इस पर्सन को कंटिन्यूसली क्यों सोचते हैं? वाई आर यू कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट देम? ठीक है, आप इस पर्सन के बारे में कंटिन्यूसली क्यों सोचे जा रहे हैं? लेट्स सी, हम चेक करते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है और मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है। जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जर्नी की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, ठीक है? ये तो मैंने बोल दिया है आपको। इट मीन्स यहाँ पर जब भी आपके साथ कनेक्ट हो तो आप इसको क्लिक करके सुन सकते हैं। स्टोरी लाइन आपसे मैच करनी चाहिए। मेरे व्यूवर इस पर्सन को कंटिन्यूसली क्यों सोच रहे हैं? प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन कंटिन्यूसली अपने पर्सन को क्यों सोचते हैं? आप कंटिन्यूसली इस पर्सन को क्यों सोचते हैं? मेरे व्यूवर अपने पार्टनर को, अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को कंटिन्यूसली क्यों सोचते हैं? द व्हील एंड टू ऑफ कप्स। सोच, सबसे पहले तो कोई कार्मा जुड़ा हुआ है, आप इसलिए इस पर्सन को सोचते हैं, ठीक है? कुछ इसने आपके साथ, कुछ नेगेटिवली आप लोग के बीच एंड हुआ है, ठीक है? आपको लगा था यहाँ पर प्यार होगा, मोहब्बत होगी, एक सोलमेट रिश्ता होगा। टू ऑफ कप्स के साथ एक इक्वल गिव एंड टेक होगा, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा लगता है यहाँ पर चीज़ें बहुत बुरे तरीके से बिखरी हैं। बहुत बुरे तरीके से एक बिट्रेयल आपको मिला है, ठीक है? या आपका कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है, कोई पास्ट लाइफ कार्मा, पास्ट लाइफ पार्टनर हो सकता है, कोई पास्ट कार्मा हो सकता है। यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्मिक वे में जुड़ा हुआ है आपका इस पर्सन से, आप इसलिए इसको सोचते हैं। द व्हील है यहाँ पर, कुछ नेगेटिव साइकिल चल रही है, कोई टॉक्सिक साइकिल चल रही है। यहाँ पर आपको इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा होप्स थी इस पर्सन के साथ, लेकिन यहाँ पर आपने बहुत एफर्ट करी, टाइम दिया, वर्क पुट ऑन किया, सब कुछ किया, लेकिन यहाँ पर आपको वो नहीं मिला जो आप डिजर्व करते थे। काइंड ऑफ सूट के साथ यहाँ पर एक बिट्रियल की एनर्जी है, बुरे तरीके से किसी की, किसी सिचुएशन की एंडिंग होना, ठीक है? जैसे सोची समझी एंडिंग हो, प्री प्लानिंग एंडिंग हो, जैसे यहाँ पर सामने वाले को पता हो आप इससे क्या चाहते हैं, फिर भी उसने इस रिश्ते को बुरे तरीके से ख़त्म किया हो, ठीक है? यहाँ पे कोई कार्मा जुड़ा हुआ है, कार्मिक सिचुएशन है, आपको उससे कुछ लर्न करना है। आप इसलिए इसको कंटिन्यूसली याद करते रहते हैं, कंटिन्यूसली इसकी तरफ अट्रैक्टिव रहते हैं। आप इसकी सोच से, आप इसकी यादों से जुदा नहीं हो पाते, ठीक है? कुछ तो कोई लेस कोई ना कोई लेसन है, कोई ना कोई आपका पैटर्न है, लाइफ पैटर्न है। आप वो लाइफ पैटर्न आपके, इससे पहले मैं आपको जज नहीं करी, इससे पहले आपके कोई और भी रिश्ते रहे हो सकते हैं जिसमें आपने लव लाइफ में एक एक बिट्रेयल सहा है। बहुत ज़्यादा किसी को आपने दिया है और आपको एंड एंड ऑफ द डे कोई बिट्रेयल मिला है, कोई यहाँ पर आपको डिसेप्शन ही मिली है। किसी ने आपके ऊपर किसी और को ही चूज किया है हमेशा। आपने कुछ ऐसा फेस किया है इस पर्सन के साथ। टेन ऑफ सोर्ड के साथ कोई एक नेगेटिव एनर्जी, एक बिट्रेयल, एक एक जैसे सोची समझी साजिश जो की जाए। आपने और भी रिश्ते पास्ट में देखे हैं, आप और भी सिचुएशन को अपनी ज़िंदगी में देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है? लेकिन एक पैटर्न चलता आ रहा है। हर रिश्ते की एक ही जैसी एंडिंग हुई आपकी लाइफ में। हर रिश्ते के लिए आप ऑब्सेसिव रहे हैं, हर रिश्ते को आपने दिल से सोचा है, हर रिश्ते के लिए आप लॉयल रहे हैं, ऑनेस्ट रहे हैं, लेकिन इसकी एंडिंग एक जैसी होती है। एक एंडिंग सामने वाला, एक एंडिंग एक ही तरीके से आपके साथ एंडिंग करता है, आपके साथ एक ही तरीके से बिहेव करता है जब भी इस रिश्ते का एक एंड होता है, ठीक है? टू ऑफ कप्स एक इमोशनल बाउंड आप बनाने की कोशिश करते हैं सामने वाले से, लेकिन आपका बन नहीं पाता। आपका बैड लक रहता है या सामने वाले का इतना इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन आपका एक पैटर्न चलता हुआ आ रहा है। एक पैटर्न है जिसको आप रिपीटेडली फॉलो कर रहे हैं, रिपीटेडली वैसी एंडिंग होती है, वैसे ही आप अपने पार्टनर को चेस करते हैं, वैसे ही वो आपसे दूर होता है, वैसे ही वो आपको इग्नोर करता है, वैसे ही आपके साथ एक एंडिंग होती है। यहाँ पर कुछ आपको कार्मा है, कुछ आपको यहाँ पर रिलीज करना पड़ेगा। कुछ ऐसे फेयर्स हैं जिनको आप लेकर दिमाग में बैठ जाते हैं, जिनको आप उस पर्सन को होप समझ लेते हैं, जैसे वो आपकी ज़िंदगी में आने की वजह, एक होप, एक एक विश बन चुका हो, ठीक है? आप इस पर्सन को कंटिन्यूअसली क्यों सोचते रहते हैं?
पैलेस ऑफ कॉइन एंड सिक्स ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड। आप यहाँ पर एक जैसे एक मतलब कि एक स्टेबल पर्सन की तरह एफर्ट डालना चाहते हैं, कि स्टेबिलिटी आपके आपके बिहेवियर में दिखती है, एक जेस्चर में दिखती है, आपके एक कम्युनिकेशन में दिखती है, कि आप यहाँ पर एक आप ऐसे इंसान हैं जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। लेकिन आप यहाँ पर परेशान रहते हैं कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि आपने कहाँ गलती करी है, क्या गलती हुई है आपसे। आप खुद को ब्लेम देते हैं बहुत ज़्यादा, आप अपने लिए अपने इनर सेल्फ के लिए हार्श हो चुके हैं, आपका खुद के साथ खुद का रिश्ता सही नहीं है, आप खुद के साथ बहुत ज़्यादा एक डिटैचमेंट की एनर्जी है, आपकी एक सेल्फ लव वाली एनर्जी नहीं है, आप खुद के लिए बहुत ज़्यादा हार्श हैं, आप दूसरे को वैल्यू देते हैं अपने सेल्फ की आप परवाह किए बिना, अपनी सेल्फ को समझे बिना, आपकी सेल्फ को सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि नहीं मिल रही सामने वाले के जेस्टर से, सामने वाले एक्शन से, आप सामने वाले के एक्शन से आप कितना हर्ट हो रहे हैं, आप खुद की सेल्फ के लिए बहुत ज़्यादा हार्श हुए हुए हैं, आपको अपनी सेल्फ के साथ यहाँ पर इतना कोल्ड नहीं रहना चाहिए। आप जब वो कहते हैं ना कि जब आप खुद की कीमत का अंदाज़ा आपको नहीं होगा तो दुनिया तो मुफ्त में खरीदती है आपको, आपको अपनी कीमत का अंदाज़ा नहीं हो रहा, आपको अपनी वैल्यू लगाना नहीं आ रही, तो दुनिया तो यहाँ पर एक जब आप खुद नहीं अपनी वैल्यू समझोगे तो दुनिया को क्या आपकी वैल्यू की कदर रहेगी। जब आप अपनी बाउंड्रीज बनाएंगे तब आपको पता चलेगा, आप अपने सेल्फ के लिए हार्श हैं, अपने सेल्फ के लिए बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं, बहुत ज़्यादा अपने साथ रूड रहते हैं, लेकिन सामने वाले से आप बिहेवियर चाहते हैं वो आपके साथ बहुत ज़्यादा पोलाइट और एक नरम दिली से पेश आए, रिस्पेक्ट करे आपकी, आपके साथ कनेक्शन को बनाए, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं। इस वक्त आपको चाहिए एक सेल्फ लव, ठीक है, आपको सेल्फ लव में ऑपरेट करना पड़ेगा अगर आपको चाहिए कि आप सामने वाले से आपको वही मिले जो आप चाहते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं वो वैसे ही प्यार करे, वैसे ही रिस्पेक्ट करे, वैसे ही आपके आपको समझे, वैसे ही आपको प्योरिटी दे जैसे आप देते हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने सेल्फ फोकस होना पड़ेगा, अपने पैटर्न को बदलना पड़ेगा। आप जहाँ गलती कर रहे हैं वहाँ आप गलती ना करें, अगर रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं कहीं तो उसको समझें, आप एक ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप देख रहे हैं दूध में मक्खी पड़ी हुई तो आपके उसको पी जाएंगे, तो आप कोशिश करें आप देखें यहाँ पर अगर कुछ गलती है तो आप उसको अपने सामने से हटाएं, वो दूध तो अपना सामने से हटा दें ना कि आप उसको पी जाएं। आप ऐसी ही गलती कर रहे हैं, इस पर्सन के लिए आपको रेड फ्लैग्स दिखाए जा रहे हैं लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं, ज़रूरी नहीं है इसने किया हो, ज़रूरी नहीं है इसी का हो, ज़रूरी नहीं है, आप खुद को सेटिस्फाई खुद को बिला वजह के बहाने देते हैं कि ज़रूरी तो नहीं है ये इसमें इन्वॉल्व हो, ऐसा हो सकता है मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, आप खुद को ऐसे बहाने दे रहे हैं लेकिन आपकी सेल्फ हर्ट हो रही है। जब जब आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट होते हैं ये कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करता है या कोई ऐसा आपके साथ ऐसा बिहेवियर करता है कि आप आपको एक हर्ट अंदर से फील होता है, ठीक है, आप एक नेगेटिव जोन में चले जाते हैं। आप पता है क्यों सोच रहे हैं इसके बारे में, आपको इमोशनली इधर से ऐसा लगता है आप इमोशनली यहाँ से सेटिस्फाई रहेंगे, ये आप फेयरफुल हैं, यहाँ पर आपके इमोशंस इस पर्सन से कनेक्ट होते हैं, ये बड़ा परफेक्ट पर्सन है, इसके पास जैसा आपको अपनी लाइफ में प्रिंस चार्मिंग चाहिए था वैसे ही है, ठीक है। नाइन ऑफ सोर्ड, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट, जब से ही आपकी लाइफ में कार्मिक साइकिल स्टार्ट हुई है, कार्मिक फेस स्टार्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेयरफुल सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा फेयर है, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे फेयर बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही आपसे बहुत कुछ हाइड करता है, एक स्लीपलेस नाइट है आपके पास, ठीक है, आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है कि आपकी तरफ क्यों इस तरीके का बिहेवियर करता है, आप लोग एक दूसरे के साथ आ भी सकेंगे या नहीं आपको इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है। पैलेस ऑफ सोर्ड, बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर एक मतलब कि स्लीपलेस नाइट है, पूरी पूरी रात जागते हैं, पूरी पूरी रात सो नहीं पाते, करवटे बदलते रहते हैं कि मसला क्या है, ये आपको क्यों उस तरीके, या आप इसने आपके अंदर क्या देखा ऐसा जो ये आपके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा है, जैसा इसने आपके साथ आपको ऐसा क्यों बोला, इसके पीछे वजह क्या रही है। आप इस पर्सन के लिए कंटिन्यूसली क्यों सोचे जा रहे हैं, कोई कार्मिक साइकिल है, कोई कार्मिक पैटर्न है, इस पर्सन ने आपको कुछ कुछ सिखाना है, आप इस बात को याद रखें, जब तक आप वो लेसन लर्न नहीं करेंगे, जब तक आप अपना अपना यहाँ पर इस रिलेशनशिप को
डील करने का तरीका नहीं बदलेंगे अपनी जिंदगी में, किसी भी इंसान को डील करने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा, जजमेंट। यहाँ पर इस पर्सन से आपकी आपकी जब बात खत्म होती होगी तो बात हो भी जाती है, फेथ, आपको फेथ रहता है कि दोबारा ये वापस आ जाएगा और आपसे बात करेगा, और ऐसा होता भी है। कम्युनिकेशन आप लोगों की वो हो जाती है, आप लोग एक साथ हो जाते हैं, बात हो जाती है, एक सेकंड चांस, मतलब कि टाइम टू टाइम आप लोग सेकंड चांस सेकंड चांस सेकंड चांस एक दूसरे को देते रहते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है इस चांस में कुछ ठीक नहीं हुआ तो शायद नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम और बेटर हो जाएगा ये रिश्ता, आप लोग एक दूसरे को सेकंड चांस प्रोवाइड करते रहते हैं, आप लोग की कम्युनिकेशन फिर स्टार्ट हो जाती है, लेकिन विदाउट यहाँ पर किसी स्टेबिलिटी, कोई स्टेबिलिटी नजर नहीं आती आपको, ठीक है। यहाँ पे जजमेंट, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, द वर्ल्ड, यहाँ पे मैं आपको बार बार कह रही हूँ कुछ नेगेटिव, आपकी कोई कार्मिक साइकिल है या आपकी कोई साइकिल चल रही है, आप लोग एक ही जगह से घूमते हैं, एक ही जगह आके रुक जाते हैं, आप लोग चाहते हैं एक दूसरे से डिस्टेंस में आ जाएं, एक दूसरे को छोड़ दें, लेकिन एक एक ही जगह से चलते हैं और एक ही जगह आके स्टक हो जाते हैं, हैंगमैन की एनर्जी है यहाँ पर, आप एक ही जगह पे आके हैंग्ड हो जाते हैं, ठीक है। आप इसी पर्सन के ऊपर आके रुक जाते हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा सुपीरियर, खुद को खुद जैसे एक सेल्फ ऑब्सेस पर्सन, बहुत ज़्यादा खुद को पसंद करना, बहुत ज़्यादा खुद को लाखों में एक दिखाना, करोड़ों में एक दिखाना, मतलब कि एक अपनी सेल्फ ऑब्सेशन है इसको, अपनी सेल्फ से इतनी मोहब्बत है, आप सोच भी नहीं सकते कोई इतना इंसान कैसे खुद के साथ इतना इन्वॉल्व हो सकता है। आपको ये कुछ सिखाने यही आया है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, आप इसको देख रहे हैं, आप इसकी तरफ पता है क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये सेल्फ ऑब्सेस्ड है, ये अपनी सेल्फ को इतनी वैल्यू देता है और लोगों से दिलवाता है कि मैं ये मैं वो, मेरे साथ ये, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ, मेरे मेरे पीछे इतने लोग पीछे हैं, मेरी लाइफ ऐसी है, मैं वहाँ, और इतनी अपने आप को बहुत ज़्यादा एक, जैसे मैं सिंगल हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, मेरी लाइफ कम्प्लीटली कम्प्लीट तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी को जीता हूँ, ठीक है। ये इस ऐसी वाली एनर्जी है, ईगो इसका बहुत ज़्यादा हाई है इस पर्सन का, ठीक है। एट ऑफ कप्स, अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है, ठीक है। यहाँ पर एट एट की एनर्जी, कोई फीमेल फिगर भी हो सकती है, आपके अलावा भी कोई और हो सकता है इसकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी है, बहुत ज़्यादा आपको बर्डन सम सिचुएशन पे छोड़ के चला जाता है, जब जब भी आपकी लाइफ में आता है जाता है आपको बर्डन सम सिचुएशन में छोड़ के चला जाता है। फोर ऑफ पेंटिकल, आपको ऐसा लगता है बहुत कुछ होल्ड बैक करता है, बहुत कुछ आपको बताता नहीं है, जितनी ज़रूरत होती है आपको उतनी ही इंफॉर्मेशन देता है, अदरवाइज फुली आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते इसकी बात से। आपको ऐसा लगता है इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं, कैरियर बेस पे लड़की लड़की है तो बहुत ज़्यादा लड़के हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि अगर ये एक वेल घर से वेल फैमिली से आती है तो बहुत ज़्यादा इसने ऑप्शंस क्रिएट करे हुए हैं, बहुत ज़्यादा जैसे एक रंगीन मिजाज इंसान, जब भी आपके साथ कनेक्ट होता है आपको बर्डन सम एनर्जी में डाल देता है, आपको समझ में नहीं आता मसला क्या है। मैं आपको बताऊँ, ये सेल्फ ऑब्सेस्ड है, अपनी सेल्फ की रिस्पेक्ट करता है और कराता है, आपका कोई लेसन जुड़ा है, कोई कार्मा जुड़ा है, आप इस चीज़ को समझें, जब जब आपकी लाइफ में आएगा आप यहाँ पर स्ट्रेस में जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ आपसे हाइड कर रहा है, और आपको आप इसको लूज करने के डर से बड़ा घबराएंगे कि आप इसको खो देंगे या आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, इसका आपके साथ जो कनेक्शन है वो कैसे बिल्ड रहेगा, आप लोग तो यहाँ पर क्या दूर हो जाएंगे एक दूसरे से, फिर आपकी ज़िंदगी में कौन आएगा, आप किससे सेटिस्फाई होंगे, कुछ इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। ये बार बार वॉक अवे करता है आपकी लाइफ से, बार बार कनेक्ट होता है, बार बार आप बर्डन सम सिचुएशन में जाते हैं, बार बार आपकी एक साइकिल चलती है और ख़त्म हो जाती है, कोई लेसन है ये, काफ़ी ये पुराने वाले लोगों के जैसा नहीं है, आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म रहने के लिए आया है, जब तक आप ये लेसन लर्न नहीं करेंगे जब तक ये आपकी लाइफ से नहीं जाएगा। आपको ऐसा लगता है इसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ये अपनी लाइफ में ऑप्शंस को ओपन रखता है, खाली ऑप्शन नहीं है, एक्सप्लोर भी करता है उन ऑप्शंस को, आप ये नहीं कह सकते खाली ऑप्शंस हैं इसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते, नहीं, ये उनको एक्सप्लोर भी करता है, इट मीन्स कनेक्ट भी होता है, एक फ्लर्टिंग एनर्जी है, फ्लर्ट, आप लोग के बीच डिस्टेंस हो सकता है किसी भी वे में, एक कंट्री में भी रहते हैं शायद आप लोग मिलते नहीं है, इंटरनेट के थ्रू आप लोग कम्युनिकेट ज़्यादा करते हैं, कोई ऐसा कनेक्शन है जो डिस्टेंस पे है, ठीक है, डिस्टेंस है, आप लोग का मिलना नहीं है यहाँ पर, लेकिन एक स्टक सिचुएशन है, आपके माइंड में ये स्टक रहता है, आप इसके माइंड में स्टक रहते हैं, इसने भी कुछ सीखना है आपसे, इसने भी अपना जो इसका ईगो है ना, आप इसका ईगो ख़त्म कर सकते हैं, आपके अंदर कोई ऐसा लेसन आप इसको लर्न करवा सकते हैं, कंटिन्यूसली इसलिए चलता है ये आपके माइंड में क्योंकि आपको यहाँ पर यही कुछ सिखाएगा, ठीक है। जो सिखाना है ना, जो एक तरबियत करनी है, जो यहाँ पर आप एक जो सेम पैटर्न रिपीटेड वे में बार बार उसी रिपीटेड वे में आते, आप वही सब कुछ करते हैं, फिर वही सब कुछ होता है, एक ही तरीके की कहानी बार बार रिपीट हो रही है, तो आपको इस पैटर्न को तोड़ना है, कुछ ऐसा करना है, कुछ नया करें, ये
इस रिलेशनशिप में जो आपने पास्ट के किसी रिश्ते में नहीं करा या पास्ट में इसके साथ ही नहीं करा। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझें, आप अपने सेल्फ के लिए बहुत ज़्यादा हार्श हैं, कोल्ड हैं, डिटैच हैं। अपनी सेल्फ, ये असल में जो है ना, ये लोगों की तरफ, लोगों से इतनी अटेंशन कैसे सीक करता है, ये अपने आप को पता नहीं, अपनी सेल्फ को समझता क्या है, अपनी सेल्फ के ऊपर ये दीवाना है, पागल है, अपने लिए ऑब्सेसिव इतना है कि जैसे ये दुनिया फतह कर चुका है और आगे बहुत कुछ करने वाला है। इतना कॉन्फिडेंस है इसको, ओवर कॉन्फिडेंस पर्सन नहीं होता। आप इसलिए अट्रैक्टिव हैं, आपको ऐसा लगता है इसकी लाइफ जो है ना फुलफिल है, इसकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है, इसकी ज़िंदगी में सब कुछ है। और ऐसे देखें, जो खुद को हमेशा फुलफिल दिखाएगा उसके साथ कौन कनेक्ट नहीं होना चाहेगा। जो जो एक हैप्पी एक जो एक एक हैप्पी गो लकी एक एनर्जी में होगा उसके साथ कौन कनेक्शन नहीं बनाना चाहेगा। आप किसी सैड एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे? कभी भी नहीं। जो सैड होगा आप उसके पास जाके बैठेंगे? रोजाना आप उससे बातें करेंगे? जो सैड होगा, डिप्रेसिव होगा, जो बहुत ज़्यादा किसी लॉस से गुजर रहा होगा? नहीं। तो आप यहाँ पर सैडनेस से निकलें, पावर में आए, यहाँ पर आप अपनी सेल्फ को रिस्पेक्ट करें, अपनी ज़िंदगी में क्रिएटिव वर्क करें, कोई काम करें जिससे आपकी वैल्यू बने, इज्जत बने माशरे में, ठीक है? आप अपनी सबसे पहले सेल्फ को इन्हेंस करें, अपनी सेल्फ वर्थ पर काम करें। आपकी वर्थ होनी चाहिए ताकि ये पर्सन आपको किसी वैल्यूएबल पर्सन की तरह देखे, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। आप इसलिए कंटिन्यूसली इस पर्सन के लिए सोच रहे हैं क्योंकि इसने अपनी सेल्फ आपकी आपके नज़र में, इसने अपनी ज़बान से इज्जत बनाई हुई है। मैं ये, मैं वो, अपनी सेल्फ के लिए बहुत कुछ। और अगर इसकी ज़बान खुले तो आपको ऐसा लगता है ये किसी भी चीज़ के काबिल ही नहीं है, एक नकारा इंसान है ये, ठीक है? इसने जिस तरीके का इसका बिहेवियर है एक इंसान जात को डील करने का, तो आपको ऐसा लगता है इसके पीछे लोग पागल हैं, जिसके अंदर बिल्कुल कोई अकल नहीं है, शऊर नहीं है, दिमाग नहीं है, ठीक है? एक वॉकिंग अवे की एनर्जी में रहता है ये, बहुत ज़्यादा ठहरता नहीं है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्टे नहीं कर सकता। इसकी लाइफ में है एक्सप्लोर करना, एक एक रंगीन एक रंगीन एक कलरफुल लाइफ गुजारना, ये उसी को ज़िंदगी समझता है, ठीक है? मिस रीडिंग को यहीं तक रखते हुए, अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक दोबारा मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।